कि होली के वीकेंड का असर बाजारों पर दिखता हुआ और हरियाली छाई हुई है, तो हरा रंग खेला जा रहा है आज बाजार में, चौतरफा तेजी, चाहे वो मिड कैप काउंटर्स हो या फिर आपके दिग्गज स्टॉक्स, खरीदारी का जोश अच्छा है। आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो कल जहां पर 1:8 यानी कि एक बढ़ने वाला स्टॉक था 8 गिरने वाले, स्थिति आज 2.5 बढ़ने वाले शेयर है और 1 गिरने वाला, यानी कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है, छोटे मझोले काउंटर्स की ओर से सपोर्ट मिल रहा है। आज ऑफकोर्स कई सारे पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिले हैं और इस तेजी के पीछे एक और बड़ा कारण है कि हम एक नई सीरीज में उतरे हैं, तो कल जो भी हुआ वो मार्च सीरीज में निपट गया और अब बाजार उम्मीद तो यही कर रहा है कि यहाँ से आगे रिकवरी और तेजी का मोड बनता दिखाई देगा। तो अप्रैल सीरीज की बेहद मजबूत शुरुआत, ऐसे दिन निफ्टी 200 अंक चढ़ा है, 14,500 के पार कारोबार करता हुआ। निफ्टी बैंक पर नजर रखिए, 350 पॉइंट का उछाल इस समय देखने को मिल रहा है, चाहे वो सरकारी बैंक हो या फिर निजी बैंक, दोनों ने पार्टिसिपेट किया। आज मेटल, टेलीकॉम, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में अच्छी खासी चमक देखने को मिली है, लेकिन जो तेजी का रंग चढ़ा है वो दरअसल मिड कैप इंडेक्स पर चढ़ा है जो आउट परफॉर्म कर रहा है पूरे बाजार को। यहाँ पर PSU स्टॉक्स, फर्टिलाइजर कंपनियां, NBFC सब में तेजी देखने को मिली है, तो मूड अच्छी तेजी का आज बनता हुआ। ऐसे में क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, इस पर प्रकाश गाबा को जोड़ेंगे और साथ ही साथ भसीन साहब भी आएंगे, फिर आपको कुछ और बड़ी खबरों पर डिटेल्स देंगे और मार्केट एक्शन पर भी हमारी नजरें रहेंगी। लेकिन गाबा साहब, गुड आफ्टरनून, देखिए हरियाली छाई हुई है तो होली का हरा कलर बाजार पर छाता हुआ, 14,500 के पार, 14,550 तक हम पहुंच चुके हैं, बताइए इस समय अप्रैल सीरीज के आज के दिन क्या नई तेजी करनी चाहिए? गुड आफ्टरनून टू यू हर्षदा। जैसे मैंने कहा था कि जो कल का लो था बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी ज्योमेट्री थी, वहां पर स्ट्रक्चर देखा जाए तो वीक नजर आता था, इंडिकेटर्स में वीकनेस थी लेकिन जो ज्योमेट्री थी बहुत बढ़िया थी, उसके हिसाब से लगता है कि कल के लो में एक ताकत है। अगर आज गैप अप खुला है यहीं पर सस्टेन कर रहा है, लेकिन आज के लिए लगता है आज का जो मूव है खत्म हुआ ऐसा लग रहा है। हो सकता है साइडवेज को यहां पर भी क्लोज हो सकता है या थोड़ा नीचे भी क्लोज हो सकता है, उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज का हाई अगर ट्यूसडे को पार कर लेता है तो अच्छी तेजी देखेंगे, क्योंकि कल का लो जो है ज्योमेट्री वाइज बहुत ही बढ़िया है। किन स्टॉक्स के जरिए ट्रेड करना चाहेंगे आप गावा साहब? वेल, मुझे लगता है एक दो स्टॉक अच्छे लगते हैं, एक तो है अशोक लेलैंड, यहाँ पर तेजी नजर आती है, 120 का टारगेट होना चाहिए, स्टॉप होगा 110 का। दूसरा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आज मेटल क्षेत्र में अच्छा नजर आ रहा है, टारगेट अब से कोई 80 का है, स्टॉप होगा 74। मेरा कंडीशन ये है कि निफ्टी कल का लो होल्ड करना चाहिए बस। ओके, निफ्टी कल के लो को होल्ड करे तो बाजार में जो चमक है वो बरकरार रहेगी। अब देखते हैं उन स्तरों को फिर से टेस्ट करता है मार्केट सेकेंड हाफ में या फिर वहां से चाल अपनी मजबूत ही रखता है। सेल में 80 के टारगेट के लिए मौका और अशोक लेलैंड में 120 के टारगेट के लिए मौका देखने को मिला है। भसीन साहब को जोड़ लेते हैं, और भसीन साहब कल ही कह रहे थे कि देखिए डिपर खरीदारी का मार्केट है, बाजार कब घूम जाएगा किसी को पता भी नहीं लगेगा, और 5 तारीख के बाद भसीन साहब आपने भरोसा दिलाया था कि रौनक बढ़ेगी, रौनक तो आज ही देखने को मिली है। गुड आफ्टरनून। हाँ गुड आफ्टरनून हर्षिता, अभी क्या रौनक है, 15,500 से आप 14,300 आ गए, जब आप 15,000 जाओगे 5 अप्रैल के बाद तब थोड़ी रौनक आएगी, अभी तो सांस नहीं आ रही लोगों की, लेकिन जिसके पास है बने रहिए और ऐड कर सकते हैं तो करिए, बिकॉज आई एम कन्विंस्ड आफ्टर 5th अप्रैल यू विल नेवर सी दीज प्राइसेस फॉर सम टाइम। अप्रैल मे टर्न आउट टू बी एन एक्सलेंट मंथ आफ्टर द फियास्को वी सीन इन मार्च, ऑल बैड न्यूज इज गेटिंग स्लोली प्राइस्ड इन एंड नाउ I am very very sure that there is going to be outperformance in the first week of April. आप कहें तो मैं तो उसके लिए स्टॉक्स भी आपको बताऊं। जी बताइए सर। तो कल आपको मैंने फॉलिंग बाजार में याद है आपको 568.70 पे ICICI कहा था, दैट वाज द स्टार यस्टरडे। आई स्टिल थिंक इन द प्राइवेट बैंक्स ICICI इज हेडेड टू 750, दिस विल बी द टॉप मोस्ट वेल्थ क्रिएटर इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। फॉर टुडे आई हैव 2 or 3 वेरी वेरी गुड आइडियाज, आई गेव यू अ सिप टू बी डन इन स्टेट बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर 5 days। टुडे आई एम सेइंग एड कैन बैंक टू दैट सिप लिस्ट, कैन बैंक विल बी अ वेरी वेरी बिग वेल्थ क्रिएटर इन द PSU पैक, सो फॉर द नेक्स्ट
5 days, do a SIP in Can Bank also. This can easily go to 175-180 by the end of April. Today's two picks are, Harshita, one is Coforge. Coforge is around 2700, keep a stop loss of 2730, look for targets of 2950. And the second is Jindal Steel. 321-22 mein lijiye, 314 ka stop loss, 350 ka target. 350 की तैयारी जिंदल स्टील कर रहा है, तो उस पर तेजी का एक ट्रेड, और दूसरी तरफ आपके लिए कोफोर्ज का भी एक सौदा भसीन साहब सुझा रहे हैं 2950 के टारगेट के लिए, यहाँ पर भी मौका है। पीएसयू बैंकों में एसबीआई में हर गिरावट पर खरीदारी करनी है, कैनरा बैंक भी उस लिस्ट में जुड़े, और ऑफकोर्स आईसीआईसीआई बैंक पर काफी बुलिश है भसीन साहब, तो ये इनके पिक्स, और ऑफकोर्स 2 बजे उनको जोड़ेंगे बाजार की क्लोजिंग पर जब हमारी नजरें रहेंगी, जब आज का दिन समाप्ति की तरफ बढ़ेगा। लेकिन मार्केट में जो जोश है वो किन किन स्टॉक्स की बदौलत आया है उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। कई काउंटर्स हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है, और आउट परफॉर्मेंस की सूची में इनफैक्ट आज सबसे आगे एनबीएफसी शेयर है। देखिए, निफ्टी बैंक जब रौनक दिखाता है तो तमाम स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलती है, और यहाँ पर आप गौर करेंगे तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट 6.5% की बढ़त पर ट्रेड करता हुआ, मुथूट फाइनेंस देखिए 4.5% ऊपर है, चोला इन्वेस्टमेंट, M&M फाइनेंशियल जैसे काउंटर्स है जो आज तेजी के ही कैंडिडेट्स बने हैं। इसके साथ ही सरकारी कंपनियां, 4 दिनों का करेक्शन देखने को मिला पीएसयू स्टॉक्स में, आज फिर से रौनक आई है, चाहे वो कॉनकॉर हो, सेल हो, बीएल हो, या फिर आईटीआई हो, इन तमाम काउंटर्स में तेजी। और फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी अपना जोश बढ़ाते हुए, फैक्ट देखिए, एनएफएल देखिए, यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी, मैंगलोर केमिकल में भी तेजी, और आरसीएफ में भी करीब करीब 2% का उछाल देखने को मिला है। कुछ और गेनर्स की सूची आपके सामने हाजिर करते हैं, तो जेएमसी प्रोजेक्ट्स 7% ऊपर, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, डॉक्टर लाल पैथलैब जैसे स्टॉक्स भाग रहे हैं। हालांकि आज के बाजार में कुछ लूजिंग काउंटर्स भी हैं, गुजरात गैस, इंटरग्लोब एविएशन, बर्गर किंग, हैथवे केबल, ऑफ कोर्स हैथवे में ओएफएस का ज्यादा इंपैक्ट है, लेकिन ये तमाम वो काउंटर्स जहां पर प्रेशर बना हुआ है। कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर इस घंटे शायद ट्रेड का मौका दिख रहा है, गावा साहब इनफैक्ट उसे कंफर्म करेंगे। गावा साहब, ये आप कॉनकॉर पर राय दीजिए, 5.5% ऊपर, 581 के लेवल्स, आज सुबह में भी हम इसकी बात कर रहे थे, और स्टॉक हर टिक के साथ दरअसल ऊपर ही जा रहा है, क्या अभी भी मौका है नया ट्रेड लेने का आज? मुझे लगता है 5 या 6 दिन पहले मैंने बाय जनरेट किया था कंटेनर कॉर्पोरेशन पे, आज वो कंफर्मेशन हो रहा है, ब्रेकआउट मिला है, कह सकते हैं हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर, बस 560 का स्टॉप होना चाहिए कंटेनर कॉर्पोरेशन में। आप 600 से ऊपर लेवल देखेंगे, थोड़ा वक्त और देंगे तो 620 भी देखेंगे, मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है, लेकिन पहला टारगेट 600 का रहेगा, तो 600-620 के लिए ये फिलहाल मौका एक तेजी का आपके लिए बन रहा है।